तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमको गिवन है, टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन वन कंप्लीट 7/8 आवर्स। द टैप विथ लॉन्गर डायमीटर टेक्स 2 आवर्स लेस देन द टैप विद स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। देन हमें फाइंड करना है द टाइम इन विच ईच टैप कैन फिल द टैंक सेपरेटली। तो यहाँ पे हमारे दो टैप है, एक लॉन्गर डाया का टैप है और एक स्मॉलर डाया का टैप है। तो इसमें हम पकड़ के चलेंगे, देखो जो हमारा लॉन्गर डाया का टैप है उसमें 2 आवर्स लेस लग रहा है स्मॉलर वन से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ले लेंगे लेट द टाइम टेकन, द टाइम टेकन बाई स्मॉलर डाया टैप, स्मॉलर डायमीटर टैप, इसको मैंने पकड़ लिया यहाँ पे एक्स आवर्स। तो स्मॉलर डाया से यहाँ पे हमारा टाइम जो लग रहा है वो एक्स आवर्स लग रहा है, और जो लार्जर डाया से लगेगा ना टाइम टेकन है ना बाय लार्जर डायमीटर टैप, इससे जो हमारा टाइम लगेगा वो देखो 2 आवर्स कम लग रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा x-2 आवर्स। तो आई होप दोस्त आपको इतनी बात पकड़ में आई होगी। अभी देखो, जो भी हमने कैलकुलेशन करनी है वो हम पर आवर में करके चलेंगे। तो जो हमारा स्मॉलर डाया का टैप है पर आवर में कितना टैंक को भरेगा, 1/x। और यहाँ पे चलो हम इसको कैरी कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है, जो हमारा स्मॉलर डायमीटर का टैप है पर आवर में कितना टैंक को भरेगा, 1/x। ऐसे ही जो हमारा लार्जर डायमीटर का टैप है वो टैंक को पर आवर में कितना भरेगा, 1/x-2, क्योंकि ये इसका टोटल टाइम है ना। तो पर आवर में क्या करेंगे, 1/x हो जाएगा, और इसका पर आवर करेंगे 1/x-2 हो जाएगा। तो अभी देखो जो टोटल टाइम दे रखा है ना हमको, ये 1 कंप्लीट 7/8, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 1 कंप्लीट 7/8 दे रखा है, ये हमारा आ जाएगा 15/8 है ना। तो इसको हम पर आवर में कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा उल्टा हो जाएगा, 8/15 बन जाएगा, ये पर आवर में रेसिप्रोकल कर देंगे हम टोटल टाइम का। तो अभी जस्ट बेसिक सी कैलकुलेशन करेंगे इसमें और यहाँ से हमारा निकल जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर हिट कर दें। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसको कैसे करना है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम पकड़ लेते हैं इसका। ये यहाँ से आ जाएगा x-2 + x, और नीचे हमको पकड़ में आ रहा है x²-2x, x²-2x ही आ जाएगा, -2x इक्वल टू, यहाँ से हमको मिल रहा है 8/15। तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा 2x है ना, -2, इस x और x को मैंने ऐड कर दिया 2x-2, और नीचे हमको मिल रहा है x²-2x इक्वल टू 8 है ना, और यहाँ से हमको मिलेगा 15, समझ रहे हो। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, देखो 2 यहाँ से हमारा कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बचेगा हमारा x-1, और नीचे हमको पकड़ में आ रहा है x²-2x इक्वल टू 8/15। तो अभी यहाँ से ये हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, ये हो जाएगा ब्रूम बड़ाम, यहाँ से हमारा 4 आ गया। अभी इसका जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 15x-15 इक्वल टू 4x²-8x, आई होप आपको पकड़ में आया होगा। इन दोनों को उधर ले जाते हैं, ये आ जाएगा 4x², और यहाँ से हमारा ये हो रहा है 8x और ये 15, ये ऐड हो जाएंगे, ये इधर चले जाएगा ससुराल की तरफ, ससुराल में जाके माइनस में हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ ससुराल में जाती है वो घट जाती है, उधर जाके ये माइनस में हो जाएगा। तो ये बना लेगा 23x, और ये माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 0। तो हमेशा जब भी ससुराल जाते हो माइनस में जाओ, क्योंकि उधर जाके क्या होगा, प्लस में हो जाओगे, और अगर प्लस में जाओगे तो क्या होगा, माइनस में हो जाओगे उधर जाके, इसलिए हमेशा क्या करना है, माइनस में जाना है ताकि वहाँ जाके प्लस में हो जाओ। अभी देखो मल्टीप्लाई करके कितना लाना है, 60, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लाना है 23। तो इसके जो फैक्टर्स है काफ़ी आसान बन रहे, आप अगर 20 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 60 पकड़ में आएगा, और दोनों को ऐड कर देते हो तो यहाँ से 23 मिल जाएगा। तो जस्ट यहाँ पे देखो जो हमारे फैक्टर्स बन रहे ना, वो आ रहे हैं 4x² है ना, -20x-3x +15 = 0, ये आ रहा है। अभी इसमें से हमने 4x को कॉमन लेना है, देखो 4x यहाँ से हमारा पकड़ में आ रहा है, ये आ जाएगा x-5 है ना, और यहाँ से हमको मिल रहा है -3 मिल रहा है, ये भी आ जाएगा x-5 = 0। तो एक हमारा बन रहा है 4x-3,
और एक हमारा मिल रहा है एक्स माइनस फाइव। तो बेसिक सी चीज़ें हैं, आप इसको करते आ रहे हो सिक्स सेवन्थ एट्थ से, तो इसको करेंगे तो फ्रैक्शन में निकलेगा, इसलिए यहाँ से निकाल लेते हैं एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। यहाँ से हमारा एक्स देखो मिल रहा है फाइव आवर्स, तो जो स्मॉलर डाया का टैप है ना उससे हमारा टाइम लग रहा है फाइव आवर्स, लार्जर से कितना लगेगा, इस फाइव को पकड़ के यहाँ पे रख देंगे, फाइव माइनस टू करेंगे तो थ्री आवर्स, जो हमारा लार्जर डाया टैप है उससे जो हमारा टाइम मिल रहा है वो थ्री आवर्स मिल रहा है। तो आई होप दोस्त आपका क्वेश्चन पकड़ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर हिट कर दें। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में।